तो दोस्तों मुझे जैसे ही इस न्यूज़ के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं जो इस परेशानी में गुजर रहे हैं, इस परेशानी से और जो इस परेशानी में मुबतला हैं और काफ़ी टेंशन लेके बैठे हुए हैं, तो उनकी टेंशन का हल निकल आया है। जी हाँ, पीटीए ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। जी हाँ, पाकिस्तानियों हो जाओ खुश। आप लोगों के लिए पाकिस्तानियों, आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी दी है पीटीए ने। तो चलें देखते हैं क्या खुशखबरी है और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा वो खुशखबरी और आप खुद देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, अभी लाइक करो पहले। चलो वीडियो को लाइक करो फिर आगे चलते हैं। और न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को क्लिक कर दो। मैं लाता हूं इस तरह की मज़े की और अमेजिंग सी वीडियोज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों फाइनली पीटीए ने ये कह दिया है कि अब आप अपने मोबाइल जो हैं जिनके रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वो अपने जाकर किसी भी फ्रेंचाइज से रजिस्टर करा सकते हैं। जो जो फ्रेंचाइज हैं वो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ, पीटीए का लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आप लोगों को जो पीटीए ने कहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीटीए ने अब कहा है कि अगर आप लोगों के जो के मोबाइल अनरजिस्टर्ड हैं, जो भाई जैसे ही आप पाकिस्तानी सिम नेटवर्क डालते हो तो आपको पीटीए की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जल्दी से अपने मोबाइल को रजिस्टर कर लो वरना 60 दिन के अंदर अंदर आपका मोबाइल हो जाएगा बंद। तो इसीलिए अपने मोबाइल को बंद होने से बचाएं। और आपको बताता हूँ किस तरह, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स को ये बहुत टेंशन और मसला आ रहा था कि यार हमसे रजिस्टर नहीं हो रहा, हम बहुत पंगे ले रहे हैं ना, हमें तो मतलब कि साइनअप ही नहीं होती है, वेबसाइट ही साइनअप नहीं होती है, हमारा अकाउंट ही नहीं बनता, तो हम रजिस्टर क्या करें, रजिस्टर करने का पता ही नहीं चल रहा। तो आसान तरीका पीटीए ने आप लोगों के लिए निकाल लिया है जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी के साथ जाकर फ्रेंचाइज से अपना मोबाइल रजिस्टर कर सकते हो। जी हाँ, फ्रेंचाइज से जाकर अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हो जिनके रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं आप लोगों को पहले प्रूफ दिखा दूं जो कि पीटीए ने कहा है और ऐलान कर दिया है। तो मैं चलता हूं पीटीए की यहां ओरिजिनल वेबसाइट पर, यहां आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जाकर गूगल में चले जाएं, ठीक है, यहां गूगल में जाएं और गूगल में जाकर सर्च करें ये वाला पीटीए फैसिलिटेशन सेंटर, इसको आपने सर्च कर देना है, ठीक है। तो ये लिखकर आपने सर्च करना है, उसके बाद हम वेट कर लेते हैं। ये यार ये इंडेक्स ना थोड़ा बहुत ही स्लो होता है। तो यहाँ ऊपर ऊपर टॉप पे आपको ये लिंक जो मिल रहा है आपने सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ देखें, ये आपको ये बता रहा है कि इन चार फ्रेंचाइज से आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं, जैज़, यूफोन, टेलीनोर और जोंग। इन चारों फ्रेंचाइज से आप जाकर, चारों से जो के नेटवर्क्स हैं इनमें जाकर आप जाकर अपने वहाँ से मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। जिनके रजिस्टर नहीं हैं तो जाएं और वहाँ से फ्रेंचाइज से रजिस्टर करवाएं। हो सकता है ये लोकल मतलब के छोटे जो आपके इलाके में फ्रेंचाइज हों से ना, जो मेन फ्रेंचाइज हो आपके सिटी का, शायद वहाँ से हो रहे हों। इसके बारे में अभी तक मैंने नहीं पता किया, लेकिन ये हो रहा है कि पीटीए ने कह दिया है कि आप अपने जाकर मोबाइल पीटीए के मतलब के फ्रेंचाइज से जाकर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। जी हाँ, अब पीटीए ने यह कह दिया है कि आप मोबाइल जाकर अपने फ्रेंचाइज से रजिस्टर करवाएं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यार पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।